जय शनि देव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनी श्री शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं आपका अपना दैनिक राशिफल लेकर, डेली हॉरोस्कोप लेकर। क्या कहते हैं आपके ग्रह गोचर और सितारे, तो सबसे पहले हम जानते हैं आज के ग्रह गोचर की स्थिति। जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता रहा हूं कि ग्रह गोचर मतलब आसमान में कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है, उस स्थिति को ग्रह गोचर कहते हैं। तो आज के दिन जो ग्रह गोचर की स्थिति है उसके अनुसार सूर्य देवता मेष राशि में उच्च के होकर विराजमान है, वहीं सूर्य देवता के मित्र बुध देवता भी सूर्य देवता के साथ ही मेष राशि में विराजमान है। शुक्र देवता स्वयं अपने घर में वृष राशि में विराजमान हो रखे हैं, राहु महाराज मिथुन राशि में विराजमान है, चंद्र देवता सिंह राशि में विराजमान है। यहाँ ग्रह गोचर में परिवर्तन आया है, ध्यान रखें। चंद्र देवता हैं, उनका विचरण कर्क राशि से समाप्त होकर सिंह राशि में प्रारंभ हो चुका है। केतु महाराज अपनी धनु राशि में विराजमान है, शनि देवता अपने स्वयं के घर में मकर राशि में विराजमान है, मंगल देवता यहीं पर यानी शनि देवता के घर में उच्च के होकर मकर राशि में ही विराजमान है, किंतु बृहस्पति देवता यहीं पर नीच के होकर, क्योंकि उनका ये दुश्मन का घर है, तो नीच के होकर मकर राशि में ही विराजमान है। यहां मैं फिर से आप लोगों को कहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं की है, मोबाइल ऐप हमारी, जिसके द्वारा वो फ्री में जान सकते हैं, अगर आप पैसा नहीं देना चाहते हैं अपनी किसी जन्म कुंडली दिखाने के लिए, तो आप फ्री में अपनी परेशानियों का डायरेक्ट उपाय जान सकते हैं स्वामी प्रिंस ऋषि साधक एंड साधिका जी से। उसके लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए और जो मोबाइल ऐप का लिंक है उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, या लिंक को क्लिक करके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर स्वामी प्रिंस ऋषि को आप फिलअप करके भेज सकते हैं अपनी परेशानियों को और उनका उपाय फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज के पंचांग से। आज विक्रम संवत 2077 2 मई सन 2020 नवमी तिथि है शुक्ल पक्ष के वैशाख मास की। आसमान में वृद्धि नामक योग बना हुआ है, माघ नामक नक्षत्र का उदय हुआ है आज, और जो अभिजीत यानी शुभ मुहूर्त है वह की बात करूं 12:00 से लेकर 12:48 तक रहेगा। ये किसी भी कार्य को करने के लिए शुभ मुहूर्त होता है, और जो अशुभ मुहूर्त या राहु काल हम जिसे बोलते हैं वो आज सुबह 8:58 से लेकर 10:38 तक रहने वाला है। इस समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। इसके साथ ही मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोगों की बदौलत ही हमारे जो सब्सक्राइबर का जो बेस है वो 14,80,000 तक पहुंच चुका है, किंतु आप में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे इन वीडियोज को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे जो लाल बटन आ रहा है वीडियो के नीचे उसको सब्सक्राइब कर और घंटे का आइकन दबाकर हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसा करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है, और अगर आपको कोई वीडियो से संबंधित कोई और एडिशनल कोई इंफॉर्मेशन या अपनी कोई रिक्वायरमेंट देनी है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हम प्रारंभ करते हैं आज का राशिफल। बात करते हैं कर्क राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कर्क राशि वाले व्यक्तियों, परिवारजनों का भरपूर साथ आपके साथ है, आप उस साथ का फायदा उठाइए। हो सकता है आपको परिवारजनों की वजह से ट्रेवल करने की कोई जरूरत महसूस हो रही है, किंतु संयम रखें, समय की व्यवस्था देखकर
और मैं भाई बहनों के साथ आपके हालात की बात करते, संबंधों की बात करते, तो निश्चित रूप से उनकी वजह से आपको काफी सारा लाभ प्राप्त होने वाला है। परिवारजनों की वजह से आपको एक शुभ सूचना भी प्राप्त होने वाली है। तो आपके आसपास से खुशखबरी घूम रही है, वो सरकारी नौकरी, सरकारी इंटरव्यू, सरकारी प्रमोशन, किसी सरकारी जॉब से संबंधित इंटरव्यू, या कोई इंक्रीजमेंट से संबंधित, या आपको कोई सरकारी टेंडर इत्यादि की शुभ सूचना आपके आसपास घूम रही है, मिलने वाली, होने जा रही है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का भरपूर प्रयास करें। माता के साथ आपके जो संबंध है, अगर आप अपने उनका आशीर्वाद लेकर नीतिपति आप काम पर जाया करें, तो निश्चित रूप से आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। आपके लिए अच्छा समय चल रहा है इस सिलसिले में, तो माता का आशीर्वाद लेकर ही आप काम पर जाएं। बात करते हैं स्टूडेंट्स के बारे में, तो स्टूडेंट्स का जो इस समय मन है वो पढ़ाई लिखाई की तरफ थोड़ा सा जाते जाते भी डाइवर्ट हो रहा है, तो अपने मन पर कंट्रोल करें, क्योंकि आपका करियर का सवाल है। अगर आप अपना करियर आज नहीं बनाने का प्रयास करेंगे तो जब उम्र निकल जाएगी तब क्या करेंगे। जिन स्टूडेंट्स को मेहनत करने के बाद भी अच्छे नंबर नहीं आते या पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लगता, ऐसे सभी स्टूडेंट्स उनके माँ बाप से कहना चाहेंगे कि हम गारंटी से एक ऐसा उपाय करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, जिसके माध्यम से आपके हर साल पिछली साल से ज्यादा नंबर आया करेंगे और आपके बच्चे का मन भी अवश्य पढ़ने लिखने में लगने लगेगा। इस बात की हम आप चाहेंगे तो हम लिखकर भी आपको गारंटी दे सकते हैं। या फिर उन लोगों की बारे में अगर हम बात करें जो युवक युवतियां हैं सरकारी नौकरी के एग्जाम्स पर एग्जाम्स दिए जा रहे हैं मगर सफलता हाथ नहीं आ रही है, सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे युवक युवतियों से या उनके पेरेंट्स से, माता पिताओं से हम कहना चाहेंगे, कम से कम ये तो जन्म कुंडली दिखाकर ये तो पता करिए कि आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है भी या नहीं। अगर सरकारी नौकरी का योग आपकी जन्म कुंडली में नहीं है तो हम तो क्या परमपिता परमात्मा के अलावा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये जरूर है कि ऐसी स्थिति में आपके ग्रहों को मजबूत करके आपको उस तरफ मोड़ा जा सकता है जहाँ कि आपका कैरियर होना चाहिए और उसमें आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। और उन लोगों की बात करें जिनकी जन्म कुंडली में योग तो है मगर बहुत कमजोर है, देखो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, अगर जिनके योग मजबूत है तो वो मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं है, उनको तो ऑटोमेटिकली घर बैठे बैठे सरकारी नौकरी मिल जाती है। तो जिनकी नौकरी में 5 या 10% का भी योग है तो उस योग को किस प्रकार से मजबूत किया जा सके ताकि आप निकट भविष्य में सरकारी नौकरी प्राप्त करने योग्य बन सके, वो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपायों के द्वारा। साथ में उन लोगों की बात करेंगे जिनकी संतान उनकी बार बार बेइज्जती करती है, अपमान करती है, चाहे उस संतान की उम्र 12 साल हो या 52 साल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसे माँ बाप जो इस चीजों से दुखी हो रहे हैं, तो उन इन सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा, स्क्रीन पर जो आपकी स्क्रीन पर जो हमारे मोबाइल नंबर आ रहे हैं उन मोबाइल नंबरों पर एक अपॉइंटमेंट बुक कराएं और वीडियो कॉल के द्वारा, फोन कॉल के द्वारा, ईमेल के द्वारा, या अगर आप आना चाहें तो आप स्वयं मिलकर भी अपनी जन्म कुंडली, और जन्म कुंडली नहीं है तो चेहरा दिखाकर थोड़ा हमसे डिस्कस करें। हम आपकी परेशानियों, ये जितनी भी हमने अभी परेशानी बताई उन सब के लिए मतलब कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाते हुए आपके जीवन में भरपूर खुशियां प्रदान करने का प्रयास करेंगे, वो भी वीडियो कॉल के द्वारा, फोन कॉल के द्वारा, ईमेल के द्वारा, या आप स्वयं मिलकर घर बैठे ही, चाहे पूरी दुनिया में कहीं पर भी रहते हो तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। बात करते हैं शत्रुओं की, जो शत्रुओं से परेशान हैं, कुछ ज्ञात शत्रु हैं इनका आपको पता है, कुछ ऐसे शत्रु हैं इनका आपको पता ही नहीं, आप मित्र समझ रहे हैं मगर वो आपकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, या कुछ ऐसे लोग परिवार के या घर के या दुकान आपके व्यापार स्थल के आसपास के लोग, कार्यस्थल के आसपास के लोग, जो आपको पूजा पाठ यंत्र मंत्र तंत्र द्वारा अहित करना चाहते हैं आपका और आपके परिवार का,
तो ऐसे सभी पीड़ाओं से बचने के लिए अगर आप सच में ऐसा महसूस करें कि आपके साथ ऐसा हो रहा है मगर आपको पता ही नहीं है कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो ऐसे सभी व्यक्तियों से कहना चाहेंगे आप स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उन नंबरों पर जाकर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बहुत छोटे से उपायों के द्वारा अपने शत्रुओं को एक ऐसे बंधन में बांध सकते हैं जिससे वो आपको कोई नुकसान ना पहुंचा सके और उल्टा उनके खुद के मन में इतना भय हो जाए कि वो आपके खिलाफ कुछ करने के से दूर चले जाए। तो उसके लिए आपको ये जो स्क्रीन पर हमारे नंबर आ रहे हैं उन पर एक अपॉइंटमेंट बुक करानी है, वीडियो कॉल के लिए, फोन कॉल के लिए, ईमेल के लिए या पर्सनल मिलने के लिए, और उस समय अपना चेहरा, अपनी जन्म कुंडली दिखाकर, अपनी परेशानियां बताकर, छोटे से तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय जो आपको साल में एक या दो बार से ज्यादा नहीं करने हैं, उन उपायों के द्वारा आप अपने शत्रुओं को अपने से दूर भगा सकते हैं उनके द्वारा किए जा रहे यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि से सुरक्षित रख सकते हैं खुद को भी और अपने परिवार को भी। तो देर मत कीजिए, अभी फोन मिलाइए और संपर्क कीजिए। My name is Kumar. I coming from Dubai. I am too much financial and mentally tension. हम इधर आमिर जी के पास आया। आमिर जी हमको रिंग वेयर करने का बताया। रिंग वेयर किया, हमको सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हमको थोड़ा प्रॉपर्टी सेल करने का था, ये भी इधर आया, रिंग वेयर किया, ये भी सेल हो गया। अभी आप लोगों को प्रॉब्लम होएगा, इधर शनि मंदिर में आ जाओ, गुरु जी को मिलो, आपका सभी प्रॉब्लम इधर से ठीक होएगा, 100% आपको वादा करता है। बात करते हैं आपके प्रेम संबंध में, आप उनको शादी में कन्वर्ट करने का भरपूर प्रयास कीजिए, आपके लिए शुभ समय है और आप निश्चित ही अपने बुद्धि कौशल का प्रयोग करते हुए अपने संबंधों को शादी के मुकाम तक ले जाने में समर्थ हो सकते हैं अगर आप सही तरीके से प्रयास करें। बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शादी ही नहीं हो पा रही है, शादी की उम्र निकली जा रही है, बाल सफेद पड़ते जा रहे हैं, रिश्ते वाले आते तो बहुत है मगर मना करके चले जाते हैं या रिश्ते वाले आते ही नहीं, पड़ोसी पड़ोसी अंकल आंटी कहके चिढ़ाने लगे। तो ऐसे सभी लोगों को समझ लेना चाहिए अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको किसी दोष का शिकार होना पड़ रहा है, मतलब कोई ग्रह दशा ऐसी है जिसमें आप फंसे हुए, तो उस ग्रह पीड़ा को दूर करना है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बहुत छोटे से उपायों के द्वारा। इन उपायों को करने के लिए आपको कोई बहुत लंबी चौड़ी पूजा पाठ से प्रपंच नहीं करना है, पूजा पाठ के नाम पर कोई बकरी मुर्गी और इत्यादि की बलियां नहीं देनी है। बहुत आसान से वैदिक एस्ट्रोलॉजी को उपाय करके आप इन पीड़ाओं को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में एक सुंदर सा जीवन साथी प्राप्त कर सकते हैं। तो और अधिक देर मत कीजिए, स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क स्थापित कीजिए, वीडियो कॉल, फोन कॉल, ईमेल के द्वारा हम भरसक आपकी मदद करने के लिए या स्वयं आप मिलकर हमसे मदद ले सकते हैं। जीवन साथी के साथ आपका समय इस समय अच्छा ही व्यतीत हो रहा है तो उस समय का लाभ उठाकर अपने और अपने जीवन साथी के मध्य एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने का प्रयास कीजिए, अपने संबंधों में सुधार करने का प्रयास कीजिएगा और जीवन साथी को एहसास कराने का प्रयास करिएगा कि उसकी जो वो डोमिनेटिंग नेचर का जो आपका जीवन साथी है उसकी डोमिनेटिंग नेचर आपको कितना हर्ट करती है, उसे रियलाइज कराने का समय है और शायद वो समझ भी सकें अगर आप सही तरीके से उनको समझाएंगे तो आप समझ सकेंगे, किंतु अगर फिर भी आपके जीवन संबंधों में आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में अड़चन आ रही है। बात करते हैं भाग्य से संबंधित, तो भाग्य के जो हालात हैं आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर सुधारने का प्रयास करें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। बात करते हैं कार्यस्थल के हालात, तो निश्चित ही आपको खुशखबरी मैं पहले ही दे चुका हूँ कि आपको शीघ्र ही कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने से बिल्कुल मत परहेज कीजिएगा, आमदनी में निश्चित ही माता के आशीर्वाद के साथ बढ़ती जा रही है, चिंता जरूर आपका पीछा नहीं छोड़ रही, तो उसके लिए मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कि आप अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, स्ट्रांग बनाएं, स्ट्रांग बनाएं। और अंत में बात करते हैं उन प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में, साथी उनको धोखा दे रहा है या कोई तीसरा व्यक्ति उनके जीवन में अनवांटेड व्यक्ति प्रवेश कर रहा है
उनके संबंधों को खराब कर रहा है, या कोई तंत्र मंत्र के द्वारा उनके संबंधों को खराब करने की कोशिश हो रही है, पूजा पाठ के द्वारा उनके संबंध बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है, या आपस में ही लड़ाई झगड़े इतने बढ़ गए कि अब सहना दुश्वार हो गया है, या फिर जो आप प्रेम संबंधों को शादी के मोड तक ले जाना चाहते हैं वहां आपका साथी जीव जो साथी है वो जाना ही नहीं चाहता। तो ऐसे सभी केसों में मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय के द्वारा जो आपको साल में एक या दो बार करने हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखाकर, अपना चेहरा दिखाकर और अपनी परेशानियों को डिस्कस कर हमसे मदद ले सकते हैं। आपको सिर्फ स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उन पर एक वीडियो कॉल बुक करानी है, या फोन कॉल बुक करानी है, या ईमेल बुक करनी है, या स्वयं मिलकर आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किंतु ध्यान रहे, हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की बकरे की बलि, मुर्गे की बलि, उल्लू की बलि, सियार सिंह की बलि या पूजा पाठ के नाम पर किसी भी तरह का ढोंग या प्रपंच नहीं किया जाता। मात्र वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय जो आपके हाथों में भी स्पष्ट दिखाई देते हैं, उन उपायों के द्वारा हम आपको मदद पहुंचाने का, आपके जीवन में खुशियां लाने का भरपूर प्रयास करते हैं। बस इतना ही, शीघ्र ही पुनः मुलाकात होगी आपके नए ग्रह गोचर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय शनिदेव।